तो दोस्तों कल ना बहुत बुरी खबर आई मेरे पास और उस खबर को सुन के तो बहुत दुख हुआ। टूट से गए थे हम लोग। आप लोगों को बताऊंगी मैं कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या हो गया है, क्या क्या हो रहा है, मतलब यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों हो रहा है। दुखों के साथ साथ ना एक खुशी भी आई तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। बस बदनसीबी मेरी ये है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बस इस बात का दुख है मुझे कि मतलब आज मुझे उनके साथ होना चाहिए था, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वेलकम भी नहीं कर पाया, अगर मैं वहाँ रहती ना तो मैंने सच में इतने अच्छे से उनका वेलकम करना था ना। अगर अपने तो मैंने बाल ऐसे बाबा जी का चट्टा बना रखा है, टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहा जब तक अपने बाल सुलझाते रहूँगी तब तक कोई मूड खराब हो जाएगा इन दोनों का। सबसे मेन आज मैंने अपनी छोटी की हेयर स्टाइल बहुत ही गजब कर रखी है, आप भी जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसे क्या है हेयर स्टाइल। जो मैंने अपना नहीं किया ना, मैंने अपनी छोटी का किया है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुर्सी भी तोड़ दी है, मोटू लाल ने कुर्सी भी तोड़ दिया है। तो हमारे जमाने में हमें बिस्किट मिलते नहीं थे, और ये देखो इनको कैसे तोड़ ताड़ के कर रहे इनको। एक शायद कभी आप भी जाते थे मार्केट से बिस्किट तो झगड़ा कर लेते सारी चारों बहन भाई बहन, इस पे ही झगड़ा करते रहते थे कि इतने मेरे हैं। मेरे तो कोई वैल्यू नहीं है, बाल देखो झंडू का, हम फोटो के लिए तो थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं, सब कुछ करो इनका, लास्ट में पापा के साथ चले जाते हैं। ये रो रही है कि मुझे इसमें छेड़खानी करने दे, ये देखो कैसे रो रही है कि मुझे छेड़ने दे, पर अभी नहीं छेड़ना, अभी मुझे फोटो खींचनी है। मुझे तो मेकअप करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटी के साथ सुंदर ही लग रही हूँ ना अपनी तारीफ अपने मुँह से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी दोस्तों मैं जा रही हूँ आरबी को स्कूल भेजने, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9:30 से मतलब 9:25 पर इन बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि अभी ये नर्सरी वाले हैं ना तो अभी प्रार्थना वगैरह नहीं करते, सीधे रूम में जाते हैं, तो इनको ले जाते हैं। तो थोड़ा दूर भी है और रोड उबड़ खाबड़ सी है, तो मुझे अभी आराम से चलाती हूँ। आरबी ए है और पता नहीं किसको बाय कर रही है। आज है तारीख 17 मई और आज मेरी छोटी बेटी को भी 10 महीने पूरे हो गए हैं, और मैं कुछ बनाऊंगी उसके 10 महीने कंप्लीट पे उसके फ़ोटोशूट के लिए, तो आपको दिखाती रहूँगी कि वीडियो में भी। और दोस्तों बाकी अभी स्कूल भेजती हूँ। अरबी हेलो करो, प्रणाम करो। और दोस्तों मैं स्कूल जा रही दोस्तों आ चुकी हूँ मैं आरबी को छोड़ के, और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं अपने क्वार्टर की तरफ। तो दोस्तों कल ना बहुत बुरी खबर आई मेरे पास और उस खबर को सुन के तो बहुत दुख हुआ। टूट से गए थे हम लोग। तो क्या हुआ कि सुबह इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, तो उस समय उन्होंने बताया कि हाँ पापा की तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है, अभी ठीक ठाक है, नहाने जा रखे हैं। लेकिन क्या हुआ कि पहले से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन जब सुबह इन्होंने 8:30 ऐसे इनको अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, तो तब उन्होंने बोला कि ठीक ठाक है, कल रात को भी ठीक थे। 9 बजे के करीब फिर मेरे ससुर जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल गए और वहाँ पे एडमिट हो गया इमरजेंसी में, तो अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए इमरजेंसी में एडमिट हुई, तो अभी ठीक ठाक है वो। ऐसा लगा कि मतलब भगवान ने भी ना आँखें बंद कर ली हैं शायद हमारे तरफ, और अभी होना था इसको, जब मैं मतलब यहाँ से अपने उत्तराखंड छोड़ के इधर इनके साथ आ गई, यहाँ पर मतलब भगवान चैन से नहीं रहने दे रहा। आप लोगों को बताऊंगी मैं कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या हो गया है, क्या क्या हो रहा है, मतलब यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों हो रहा है। तो जब मैं अपनी छोटी को लेके आई थी 1 महीने की थी वो, और उसके बाद वो 2 महीने की हो गई थी, फिर मेरी जो ननद है हम गढ़वाले में उनको जीरजू भी बोलते हैं, रोतली भी बोलते हैं, और पहले ज़माने में तो पौनी बोलते थे, तो वो है ना, तो मतलब खुशखबरी सुनाई थी कि बेबी होने वाला है, तो हम बहुत खुश थे उस चीज़ को लेके। हमने पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि हम मई लास्ट में जाएंगे, फिर जब बेबी होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी, मतलब केयर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जब बेबी होगा। नया मेहमान आने वाला था, तो फिर क्या हुआ कि ऐसे कर दिया भगवान ने, मतलब माँ के साथ फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा, मतलब माँ भी नहीं रही, फिर मतलब इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद अब पापा मेरे ससुर जी की मतलब ये हालत,
और फिर सुनने को मिला कि अब जब मतलब ससुर जी की ये सब कुछ बताया, उसके बाद बताया कि अब मेरी जो ननद है उनकी भी मतलब तबीयत खराब होने लगी है। रात को हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे ये सुन के बहुत अजीब सा लगा था। पहला बेबी तो नॉर्मल है उनका, पहला बेटा, और हम ऑपरेशन कैसे मतलब उनको कैसा लगा होगा कि मेरा ऑपरेशन होगा, मतलब बहुत बेकार बात है। आजकल तो नॉर्मल हो गए लेकिन उसके बाद इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, तो नॉर्मल ही रहता तो सही था, बट फिर भी भगवान की दुआ से नॉर्मल हो गया है। हमारे घर में मतलब मेरी ननद की जो है वो नया मेहमान आ चुका है, नॉर्मल से हो गया था और दोनों ठीक ठाक हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी 10 महीने की भी हो गई है। मतलब दुखों के साथ साथ ना एक खुशी भी आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं मामी बन चुकी हूँ दूसरी बार, और बस बदनसीबी मेरी ये है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बस इस बात का दुख है मुझे कि मतलब आज मुझे उनके साथ होना चाहिए था, मैं उनके साथ नहीं हूँ। पर खैर, अगर भगवान ने चाहा तो हम कभी जाएंगे और ज़रूर उनसे मिलेंगे, और वेलकम भी नहीं कर पाया। अगर मैं वहाँ रहती ना तो मैंने सच में इतने अच्छे से उनका वेलकम करना, भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया ही नहीं। तो दोस्तों, अभी ठीक ठाक है दोनों, और मेरे ससुर जी भी हॉस्पिटल में ही हैं और ठीक है वो भी, बाकी कमज़ोर तो हो ही गए अब। और दोस्तों, मतलब ससुर जी के साथ ऐसा हो गया है, मेरी सासू माँ अकेला है और उन्होंने मतलब दो दो को संभालना है, बाकी यहाँ से कर भी क्या सकती, मेरी भी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे कुछ भी लायक नहीं रखा है, मतलब इतनी दूर लेके सब कुछ, हंसी खुशी दुख सब कुछ अभी दिया था मुझे, मतलब किसी ने भी अपनी सेवा की मौका, सेवा करने का किसी ने भी मौका नहीं दिया है। और जैसे माँ को भी मैं मतलब आखिरी टाइम देख भी नहीं पाई थी। ननद का भी जो सेवाई होती है, जो जब बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तो उस टाइम की जो हम लोग किसी लेडीज़ की हेल्प करते हैं, तो उससे बड़ा जो बड़ी सेवा होती है ना, उससे बड़ी सेवा कुछ और होती नहीं है। और जैसे अभी मेरे ससुर जी की ऐसे तबीयत ख़राब होगी, तो मतलब मैं उनके लिए एक रोटी बनाने तक के लिए भी वहाँ पर नहीं हूँ, तो बाकी मैं कर भी क्या सकती हूँ इतनी दूर से। और अपनी भी मेरी प्रॉब्लम है, इतनी दूर अगर नज़दीक रहती तो मैं घर चली भी जाती, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको भी अभी तो हम इमरजेंसी छुट्टी से गए अभी, तो सबसे बड़ी खुशी तो बेबी आने की है, तो उनको हुआ है बेबी गर्ल, और पहले से उनका बेबी बॉय था और अभी बेबी गर्ल हो चुकी है मेरी ननद को। तो आज मतलब मेरी बेटी को, छोटी वाली बेटी से ठीक 10 महीने छोटी है वो, आज ही मतलब मेरी बेटी को 10 महीने पूरे होंगे, और उस वो भी मतलब आज ही हुई। तो और सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल हो गई है, ठीक ठाक है दोनों। मेरी छोटी अभी उठी नहीं है, तो देखती हूँ जब तक उठती कितना कितना काम होता है मेरा, और बताती हूँ आपको जब उठ जाएगी कि मेरा कितना कितना काम हुआ है। तो दोस्तों, मैं झाड़ू ही मार रही थी और अभी लास्ट रह गया था, तब तक ये महारानी उठ गई, बस ऐसे करके रहना है, रो रही थी वो दरवाजे पर करके। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार काम तो होता ही रहेगा, पहले इसको ही देख लेती हूँ, देखो कितनी गर्मी हो रही है, कितना पसीना आ गया। और इसके लिए अब खाना बनाती हूँ, सबसे पहले है इसका ही कर लेती हूँ, जहाँ से उठ जाते हैं ना वहाँ से काम तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब झाड़ू भी मार लिया तो ये काफ़ी है। दोस्तों, यहाँ पे इसके लिए इसमें खिचड़ी बन रही है, और यहाँ पे बिठा रखा है मैंने इसको, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, अरे यहाँ उल्टे काम करते जा रही। अभी उसके हैंग की डब्बी उठा लिए, पता नहीं क्या क्या करेगी, अभी मसाला वगैरह सारा गिरा देगी। दोस्तों, ये देखिए इसने पूरे पेट पुर्जे खोल दिए हैं गैस के, इस मकैनिक ने, ये देखो ये है मकैनिक, पूरे पेट पुर्जे खोल खाल के डिब्बे इधर उधर फेंक दिए, तो लगी है अपने काम धंधे पे। तो दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं छोटी के फोटो शूट के लिए इन दोनों को तैयार कर दिया है, और अपने तो मैंने बाल ऐसे बाबा जी का चट्टा बना रखा है, टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहा जब तक अपने बाल सुलझाते रहूँगी तब तक कोई मूड ख़राब हो जाएगा इन दोनों का। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इन दोनों को तैयार किया है, अपनी छोटी को, और सबसे मेन आज मैंने अपनी छोटी की हेयर स्टाइल बहुत ही गजब कर रखी है, और आप भी ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे क्या है हेयर स्टाइल, जो मैंने अपना नहीं किया ना, मैंने अपनी छोटी का किया है, बाकी आदमी के तो बाल है नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ दोनों को। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने अपनी दोनों बेटियाँ तैयार कर दी हैं, और छोटी वाली का तो मूड ख़राब हो रहा है, यहाँ कर दी है,
और ये देखो मेरी छोटी का हेयर स्टाइल, एक के साथ एक छोटी बांध रखी है और पीछे से एक बड़ी वाली बांध रखी है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हेयर स्टाइल किया था मैंने। ये देखो, और मेरे आर्मी के तो बाल ही नहीं है तो इसलिए मैंने इस पर क्लिप क्लिप लगा रखे हैं। हनाबू ना चिबू चिबा प्रणाम। तो अभी थोड़ा मूड ठीक हो रखा है दोनों का और पता नहीं कब ऑफ हो जाए, ये मुझे भी नहीं पता पता नहीं कब खराब हो जाता है इनका मूड। छोटी वालों को तो ज़्यादा, क्योंकि यार भी तो समझदार हो गए, समझ जाती है, लेकिन ये छोटी वाली को तभी क्या समझ आएगा। ये देखो बदमाशी कर। तो दोस्तों मैंने ये 10 बना दिया है, 10 बना दिया है और ये मुझे बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रही। ये देखिए कैसा लग रहा, बाकी कुछ तो था नहीं 10 बनाने के लिए, क्योंकि अभी दो दो अंक का बनाना पड़ रहा है ना, 1B और 0B। इन्होंने यहाँ पे कुर्सी भी तोड़ दी है मोटू लाल ने कुर्सी भी तोड़ दिया है अभी ये बिस्कुट खाने लगी है और मेरा 10 भी बन गया है और मैंने फोटो वोटो कुछ नहीं खींची है। ये बिगड़ी बदमाश मुझे एक फोटो नहीं खींचने दे रही। आ आ गया गया गया, प्रणाम प्रणाम। तो कूलर अभी हमारा चल रहा है इसमें तो बिना पानी का, और ये बोल रहे कि इसमें पानी डालना है, मुझे तो ठंड लग रही है इसमें भी। किले की तुम पल भी दिल्ली जैसे कूलर तो दिखा ये यहाँ पर साइड में बैठ गया, आ गया यहाँ रो रही है कि मुझे इसमें छेड़खानी करने दे ये देख कैसे रो रही है कि मुझे छेड़ने दे, पर अभी नीचे ना भी मुझे फोटो खींचनी है। तो दोस्तों ये देखिए हालत ऐसी बुरी कर दी, और अब इसको फैला फूला के साइड में चले गए दोनों के दोनों। आ क्या अरे खा लो उनको, ऐसे निकलना, हम तो खाएंगे। ए शिव हाँ क्या खानी चाहिए तू, 10 महीना मुबारक हो 10 महीना कंप्लीट गया ली। हाय आर भी मत करना, मैं पिट्टी कर दूंगी फिर, ऐसा नहीं तोड़ते हम तो मिलना नहीं चाहिए। तो हमारे जमाने में हमें बिस्किट मिलते नहीं थे, और ये देखो इनको कैसे तोड़ ताड़ के कर रहे इनको एक साइड। कभी आ भी जाते थे मार्केट से बिस्किट तो झगड़ा कर लेते सारी चारों बहन भाई बहन, इस पे ही झगड़ा करते रहते थे कि इतने मेरे हैं इतने मेरे हैं। अरे देखो पीछे से हंस दी है यहाँ सारे इनको पीछे से। हाय तो कर दो मेरे फ्रेंड्स को, आ जा बस पापा चाहिए मेरे तो कोई वैल्यू नहीं है। बाल देखो झंडू काम फोटो के लिए तो थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं अपनी बाल, सब कुछ करो इनका लास्ट में पापा के साथ चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए बाकी तो है ना, हल्की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फोटो वगैरह सब खींच लिया हमने, वीडियो भी बना ली है, और यहाँ अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, बादल से लग गया आसमान में, क्या पता बारिश आ जाए, और बारिश आ भी जाएगी तो ठीक ही है। इसे ना बहुत परेशान कर दिया, जिस दिन फोटो खिंचानी हो ना तो इसकी अपनी नौटंकी शुरू हो जाती है, फ़ोन की तरफ देखती नहीं है, और बड़े मुश्किल से मुझे फ़ोटो खिंचानी पड़ती है। तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हो इस तरीके से कुछ, और ये सामने जाना है मुझे पानी के लिए पीछे, तो जाऊँ मैं पानी के लिए। हाँ प्रणाम करो, प्रणाम शिबू प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी ने प्रणाम करना सीखी है एक दो दिन पहले से, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा, जिस दिन मैंने उसको सिखाया ना उस दिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसकी, अभी ठीक से नहीं कर पाती पर ठीक कर थोड़ा बहुत, मतलब उसके लायक तो ठीक ही है। तो मेरी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद देना, क्योंकि आज उस दिन 10 मंथ कम्प्लीट कर दिए हैं और 11 मंथ में चढ़ चुकी है, और आज हमारे घर में छोटी बच्ची भी आ रखी, तो मुझे आज बहुत खुशी थी। तो मैंने इसका हेयर स्टाइल भी देखो कैसे कर रखा है इस खुशी में, बट अपना ऐसे ही है कोई नहीं चलता है। मुझे तो मेकअप करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी के साथ सुंदर ही लग रही हूँ अपनी तारीफ अपने मुँह। तो दोस्तों
जो इतने सारे दुखों के बीच हमारे लिए खुशी लेके आई है। तो उस नए मेहमान से मैं आपको तब मिलाऊंगी जब हम घर जाएंगे, क्योंकि अभी मैं वहाँ सामने हूँ नहीं, और आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा उस नए मेहमान के लिए। तो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना। अभी मुझे पता नहीं कि हम कब जाएंगे, क्योंकि अभी अब बोलना भी नहीं है कि कब जाएंगे क्या जाएंगे, तो उससे हम तभी मिलेंगे जब घर जाएंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी फैमिली का भी ख्याल रहे, और बाय बाय कर दो, बाय बाय आप ही कर दो मेरे फुंचू को, बाय बाय।